शिवपुरी की बेटी की शादी हुई थी कोटा, पति करता था दिल्ली में जॉब, पत्नी और बच्चे रह रहे थे दिल्ली, पति के साथ सास और बहू में हो रही थी खटपट, बच्चे से माँ को किया अलग। शिवपुरी के जिला कलेक्टर जनसुनवाई में आज शिवपुरी के रहने वाली महिला ने गुहार लगाई है कि उसकी शादी 2015 में हुई थी और उसकी सास आए दिन उसके साथ मारपीट करती थी, उसके पति भी सास का साथ देता था। जानकारी के अनुसार सरिता रजक होटल इंद्रप्रस्थ के पास फतेहपुर रोड ने बताया कि उसकी शादी 2005 में कोटा निवासी विपिन बाथरा के साथ हुई थी। इसके बाद उसकी पति की जॉब दिल्ली में थी और वह दिल्ली में पति के साथ रहने लगी। बताना होगा कि आदित्य बिरला सन लाइफ कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी है। 3 अगस्त 2022 को सास दिल्ली में उनके घर पर आई और सास बहू में खटपट हो गई। इसके बाद महिला ने बताया कि सास ने उसकी मारपीट कर दी, पति भी उन्हीं की तरह बोलते थे। इसके बाद बहू दिल्ली में थाने पहुंची जहां उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन महिला के जीजा का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि शिकायत मत करो। इसके बाद महिला बच्चे को लेने पहुंची, लेकिन उसका बच्चा उसे नहीं मिला। इसके बाद महिला अपने भाई के साथ शिवपुरी मायके आ गई। महिला ने बताया कि उसके परिवार वालों ने उसके बच्चे को उसकी ननंद जो कि दिल्ली में रहती है उसके यहाँ भेज दिया। कुछ दिनों बाद महिला अपने बच्चे की तलाश में अपने ससुराल कोटा पहुंची जहां उसको उसका बच्चा दिख गया, लेकिन उन्होंने बच्चा नहीं दिया। इसके बाद महिला कोटा थाने में पहुंची, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज महिला ने अपने 4 साल के बच्चे की गुहार कलेक्टर से लगाई। वहीं महिला ने बताया कि वह अपने पति के साथ जीवन जीना चाहती है और बच्चे को भी चाहती है। सरिता रजू, कहाँ से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी एमपी से हूँ। ससुराल कहाँ है आपके? ससुराल मेरा कोटा राजस्थान है। क्या वाकया हुआ? तो वहाँ पे मेरे दिल्ली में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं वहीं रहती हूँ। वहाँ पे कुछ दिन पहले मेरी सास आई हुई थी, उन्होंने घर में कलेश डाला, मेरे साथ मारपीट की गई। उसके बाद 3 दिन तक कलेश चला। उसके बाद मेरे भैया वहाँ लेने गए मुझे। उसके बाद उन्होंने कुछ भी बात नहीं मानी, मतलब मैं थाने पहुँची, थाने में भैया ने मना कर दिया कि रिपोर्ट मत करो, हम आराम से मसला सुलझ जाएंगे। उसके बाद मैं भैया मुझे लेके आ गए, वहाँ पे मुझे मारने की धमकी दी गई थी और बच्चे को भी छुड़ा लिया गया। 2 दिन तक मैं बच्चा लेने के लिए भी घूमी, लेकिन उन लोगों ने मेरा बच्चा मुझसे छुड़ा लिया और कहीं भेज दिया। इसके बाद मैं भाई के साथ मायके आ गई। उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा दिल्ली पहुँची, दिल्ली पुलिस थाने में मैंने रिपोर्ट की, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जब मैं दोबारा शिवपुरी आई, उसके बाद मैं कोटा गई, मुझे पता लगा कि मेरा बच्चा वहाँ पे है, ठीक है। तो कोटा में भी मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस द्वारा, वहाँ पे भी एक पक्षीय कार्रवाई रखी गई और मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया। कोटा बच्चा दिखा? जी, कोटा दिखा गया, ठीक है। तो वहाँ से भी पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई रखी और बच्चा उनको हैंड ओवर कर दिया और मुझे वहाँ से भगा दिया गया। मैंने 2015 में कैसे हुई थी लव मैरिज? अरेंज मैरिज। हाँ जी। बच्चे की उम्र कितनी हो गई? 4 साल सर। वो बोलना भी नहीं जानता ठीक से। झगड़ा करने की वजह क्या रही सास की? सर वो हर 15 दिन में पहुंचती है, कलेश डालती है घर। कारण भी तो रहेगा, कोई ना कोई छोटी मोटी बात पे कलेश इतना बढ़ जाता है। पति फुल माँ की तरफ? हाँ, वो मौन रूप से खड़े रहते हैं, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं होता है इस चीज़ से। नहीं, माँ से, माँ के पक्ष में रहते हैं, वो मारपीट भी करती हैं उसके चक्कर में, बल्कि गलती मेरी कुछ भी नहीं होती है उसमें। आज मैं जनसुनवाई में आई हूँ और कोशिश करूँगी कि हाँ मेरे को न्याय मिले और मेरा बच्चा मुझे मिले। क्या जॉब करते हैं पति? आदित्य बिरला सन लाइफ में मैनेजर हैं। क्या नाम है? विपिन बाथरा। अब आप क्या चाहती हैं? सर मैं अपना बच्चा चाहती हूँ और हस्बैंड के साथ अपना नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ।